नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में हम लोग बात करने हैं वाले हैं बेस्ट ऑफ 2018 स्कूटीज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो अभी हमने लिया है एक नया स्कूटर जिसका नाम है TVS Nighthawk 125। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी बेहतरीन स्कूटी है जो कि बेस्ट मॉडर्न स्कूटी है 2018 की। इसे अब तक का सबसे स्मार्टेस्ट स्कूटी माना गया है TVS की तरफ से। तो आइए बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो ये पहला TVS की ऐसी स्कूटी है जहाँ पर आपको स्मार्ट कनेक्टिविटी मिलती है, जिसके द्वारा आप TVS स्मार्ट एक्स कनेक्ट ऐप द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलता है ब्लूटूथ, नेविगेशन असिस्ट, कॉलर आईडी, लास्ट पार्क लोकेशन और राइडर इन्फॉर्मेशन और डेटा, जो कि आप अपने फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम जैसे सोशल साइट्स पे शेयर कर सकते हो। मतलब ये बनता है फुल्ली हाईटेक स्कूटर। तो अगर आप TVS Nighthawk 125 खरीदने जा रहे हो तो इसको वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो अब बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। तो यहाँ पर आपको 125 सीसी का, मतलब कुल कह लें अप्रॉक्स 124.7 सीसी का आपको 3-valve में इंजन में देखने को मिलता है, जो कि CVTi टेक्नोलॉजी पे काम करता है। आपको 9.4 PS का टॉप पावर मिलता है और टॉप स्पीड बात करूँ तो आप 80 से 90 किलोमीटर तक ले जा सकते हो। और ये भाई रोड की कंडीशन में डिपेंड करता है कि आप कौन से रोड पर इस गाड़ी को चला रहे हो। और बात करते हैं अगर माइलेज के बारे में, तो यहाँ पर आपको आराम से 35 से लेके 42 किलोमीटर पर लीटर का आपको एवरेज मिल जाता है, मतलब 35-42 किलोमीटर प्रति लीटर पे आपको एवरेज ये गाड़ी देता है। अब बात करते हैं यार यहाँ पर क्या कौन से शहर पे कैसे देगा। तो यार माइलेज भी बताता हूँ, रोड कंडीशन पर डिपेंड करता है क्योंकि ये पेट्रोल स्कूटी है। स्पीड मीटर की बात करो तो हाँ, यह बिल्कुल फुल्ली डिजिटल स्पीडोमीटर है जो कि काफ़ी अच्छा हमें लुक देता है इस स्कूटी को। और इसको डिज़ाइन किया गया है ध्यान में रखते हुए स्टेल्थ एयरप्लेन इंस्पायर्ड इसका डिज़ाइन किया गया। मतलब अगर आप अभी तक आपने स्टेल्थ एयरप्लेन नहीं देखा है तो ज़रूर एक बार सर्च कर लीजिएगा। सेफ्टी के मामले में बात किया जाए तो यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलते हैं फ्रंट में, बैक में आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलते हैं। तो यही था पूरा TVS Nighthawk 125 सीसी का रिव्यू। तो आपको क्या लगता है, क्या ये TVS Nighthawk 125 TVS Nighthawk 125 एक अच्छा ओपिनियन है या नहीं? तो इसकी प्राइसिंग पे अगर मैं आऊँ तो इसका प्राइस रखा गया है 60,000 से लेकर 70,000 के बीच में। जी हाँ दोस्तों, ये सीधा कंपटीशन देता है एक्टिवा और जुपिटर जैसे स्कूटियों को। इसके कंपटीशन है सीधे होंडा ग्रेसिया, सुजुकी के नए वाले मॉडल में जिसका नाम नहीं आता, लेकिन अभी वो सुजुकी का एक मॉडल है नया, बहुत अच्छा वो भी, उसमें भी हम जल्दी रिव्यू बनाएंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी, अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है, क्या TVS Nighthawk 125 सीसी अच्छा बाइक है नहीं? अगर आपके पास है तो ज़रूर अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना खूब जैसे ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ भाई।